रहीम ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस एडिशन के लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4 में आज हमने ये पढ़ना है कि हाउ टू क्रिएट एग्जीक्यूट एंड सेव क्यूरी। यानी ओरेकल एक्सप्रेस एप्लीकेशन एडिशन में आपने एक क्यूरी किस तरह क्रिएट करनी है, उसको एग्जीक्यूट किस तरह करनी है, उसका रिजल्ट कहाँ पे नज़र आएगा, और अगर आप अपने क्यूरीज को सेव करना चाहते हैं फिर फ्यूचर और लेटर यू, देन हाउ यू कैन डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, ओरेकल एक्सेस की ब्राउज़र को जाके ओपन करके हमने लॉग इन करना है। जैसे मेरा वर्क स्पेस माई वर्क स्पेस 00030, यूज़र नेम आपने देना है और पासवर्ड देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आप एप्लीकेशन एक्सप्रेस के मेन पेज पे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप आ जाएंगे। सो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, हमने जाना है एसक्यूएल वर्कशॉप पे, और एसक्यूएल के वर्कशॉप पे जाने के बाद ओके साइन इन अगेन, देयर इज सम प्रॉब्लम, योर सेशन हैज अ कैन रिटर्न टू एप्लीकेशन। ओके माय वर्क स्पेस 000 दिस इज यूजर नेम और यूजर नेम के बाद पासवर्ड आ गया, राइट। साइन इन कर लेते हैं इनवैलिड एप्लीकेशन, चेक माय वर्क स्पेस 000 एंड चेक certify.edu.pk के बाद पासवर्ड, लेट मी चेक। ओके अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है ओरेकल एसक्यूएल वर्कशॉप, आप एसक्यूएल वर्कशॉप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके टेबल्स वगैरह आपको नजर आते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ब्राउजर में ज़रा देख लेते हैं हमारे पास टेबल कौन कौन से। जैसे सपोज हमारे पास कंट्रीज का टेबल है, कस्टमर का टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल है, और एम्प्लॉय का टेबल भी है। सो लेट सपोज हम किस चीज़ पे जाते हैं, एम्प्लॉयज के टेबल पे जाते हैं, और OEHR क्या करते हैं हम, यहाँ पर अगर आप इसकी एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, अगर OEHR एम्प्लॉय के नेम से आप रीनेम करना चाहते हैं ताकि हमारे हमें सिर्फ वो नज़र आए, या अब वो दूसरी कमांड भी चला सकते हैं। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड हैं। यहाँ पर आपको नीचे अगर लेके चले जाएँ तो यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं सारे, राइट। ओके जी, अगर आप काउंट रोज करना चाहते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि आपके टेबल में कितने, आपके बताएं 107 आपके पास एम्प्लॉयज का डेटा पड़ा हुआ है। ओके जी, अब हम वापस चलेंगे किस चीज़ में, अब हम वापस जा रहे हैं एसक्यूएल वर्कशॉप में। तो यहाँ पर दूसरी एसक्यूएल कमांड क्या है, एसक्यूएल कमांड। सो एसक्यूएल कमांड में अगर आप जैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को, सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये वाली स्क्रीन जो फर्स्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसको यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं। इस सेक्शन पे हम क्या लिखते हैं, अगर आपको माउस नज़र आए पहले सेक्शन पे यहाँ पर क्यूरीज लिखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इस साइड पे दो बटन्स, एक हम कहते हैं सेव, दूसरा हम कहते हैं रन। तो क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, अगर क्यूरी आपने सेव करनी है तो इसके लिए। सो ये आपका ऊपर स्कीमा नज़र आता है कि आप किस स्कीमा में काम कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई एक क्यूरी लेते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ओरेकल एजुकेशन एचआर
अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, ये हमारे टेबल का नाम है। तो ये मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ओ ई एच आर अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, वो स्मॉल है कि कैपिटल में लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस क्वेरी को हमने क्या करना है, रन करना है। तो किस क्वेरी को जब आप रन करते हैं, सो यहाँ पर आपके पास रन का बटन है, इसको क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, आपको नीचे उसका रिजल्ट अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नजर आते हैं रिजल्ट्स, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, सेव और हिस्ट्री। सो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें, ये सारे अब आपको क्या आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें तब भी हमें मज़ीद डिटेल, ये एम्प्लॉय सब कुछ नज़र आ रहा है। सो ये आपका हो गया रिजल्ट, कि रिजल्ट कैसे नज़र आएगा, ये यहाँ पर आपकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये आपका बता रहा है कि आपने मोर देन 10 रोज अवेलेबल, कि आपके पास एक से ज़्यादा 10 से ज़्यादा रोज हैं। आप रोज सेलेक्टर में इम्प्रूव करें तो आपको इंक्रीज कर लें तो वो जाके आपके यहाँ पे रोज़ नज़र ज़्यादा आ जाएंगी। सो यहाँ पर ऊपर जो रोज़ लिखा है इसको हम कहते हैं रोज़ सेलेक्टर, कि जब आप क्यूरी रन करते हैं उसका रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट में आपको कितनी रोज नज़र आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 और यहाँ पर मैं इसको रन में जाके दोबारा रन कर लूँ, तो यहाँ पर अब आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नज़र आएंगी। अब ज़रा देखें, अगर हम यहाँ पे जाएँ, देखें हमारे पास अभी 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड अब हमारे पास नज़र आ रहे हैं, 20 रिकॉर्ड हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड इससे भी ज़्यादा है। क्लियर, उसको ये चीज़ में। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है, इसको हम बोलते हैं सेव। तो अगर आप इस क्वेरी को सेव करना चाहते हैं या दूसरी क्वेरी लिखना चाहते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, डिस्क्राइब ओ ई एच आर अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, अगर उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इसको आप हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद आप उसको रन करें। जैसे आप उसको रन करते हैं तो ओरेकल की कमांड है, ये आपको क्या बताता है, टेबल का स्ट्रक्चर स्कीमा, देखें ये उसका नाम है, ये उसके कॉलम है, ये उसकी डिटेल्स, सब कुछ आपको नजर आ रही होगी। क्लियर हुआ, ये हिस्ट्री का टेबल टैब है, ये आपने यहाँ पर कौन कौन सी क्यूरीज चलाई हुई है, कब और टाइम बता रहा क्यूरी भी बता रहे। जब आप इस स्क्रिप्ट को सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सेव, तो सेव यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी, वो आपसे पूछेगी इसका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ माई क्यूरीज 123.sql। आप sql के, क्योंकि sql की क्वेरी है तो उसके एक्सटेंशन भी sql दे दें, यहाँ पे कुछ भी आप एक्सप्रेशन दे देते हैं, यू कैन पुट राइट एनी डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी रिगार्डिंग द क्यूरीज आप क्यूरीज से कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप उसको सेव कर, जैसे आप उसको सेव कर लेते हैं, सो यहाँ पर आपको नीचे आ रहा है नजर आ सेव्ड क्यूरीज, तो सेव्ड क्यूरीज भी आपको नजर आ, देखिए माई क्यूरीज 123 ये भी आ रहा है और माई क्यूरीज और ये भी आ रही है, दो सेव हुई हैं। अब हम देखते हैं इस पे जो हमने ये ऊपर एक अब नज़र आए क्लियर कमांड, वो क्लियर कमांड से देखिए जैसे क्यूरी डिलीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ माई क्यूरीज, अब माई क्यूरीज क्या करें, देखिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट, इंसर्ट इनटू टेस्ट, और ये क्यूरी नज़र आ रही है। और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझे सक्सेसफुली फ्रॉम ओईएचआर डिस्क्राइब ये नज़र आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी क्यूरी, कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह रन करना चाहते हैं, कोई भी इसको सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं, या डिफरेंट यूज़र है आपके पास ये देखें, या फिर वो किसने सर्च की हुई है या किसने, उसका ओनर कौन कौन है। अगर आप अपनी डेटाबेस के एक से ज़्यादा यूज़र आपके पास है तो ये बताया कि ये क्यूरी किसने लिखी हुई है, किसने रन की हुई है। कोई भी क्यूरी लिख रहे, हर क्यूरी लिखने का यही अंदाज है, राइट। और अगर आपने कोई स्क्रिप्ट चलानी है तो स्क्रिप्ट चलाने के लिए, यानी स्क्रिप्ट का मतलब फील सीक्वल कमांड या एक से ज़्यादा कमांड है, सो यहाँ पर एसक्यूएल के स्क्रिप्ट, फिर आपने एसक्यूएल स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखने हैं और फिर वो स्क्रिप्ट चलाने के लिए आपको क्या करना है, वो सारे कमांड ये देखें यहाँ पर अब आपने क्या करनी है, उनको लिखना है। नो डेटा फाउंड, क्योंकि अब आपके पास क्या है, अपलोड करना है या क्विक एसक्यूएल करना है, जो भी आपने करना है तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर करनी है, ठीक है।
अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।